बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा डॉली भाई और समीर भाई आज साथ में थे। डॉली भाई ने बनाया है नागपुर में ऐसा मुकाम होने की है ना होने की बहुत कैसे लगा यार भाई कैसी बात कर रहे हो कसम से ऐसा छुट्टी है करके नागपुर में सिर्फ दो ही चीज फेमस है एक तो डॉली की चाय और एक मेरे सभी भाई हां मेरी चाय जैसा बनाएंगे वैसा देखो परफेक्ट हेलो हेलो बहुत अच्छा लगा डॉली भाई आए और आज हम एक पहन बना रहे हैं बातें ब्रो एक बार अभी वो भाई 10 मिनट तक के मुझे आवाज ही नहीं कर डॉली भाई ने बनाया है नागपुर में ऐसा मुकाम कि नागपुर वाले भी बोलते हैं हाँ मेरी जान डॉली भाई किसके साथ में हो समीर भाई के साथ में डॉली भाई यस अभी आया है बस उस समय तुमने ऐसा बिना सोशल मीडिया के सब मचा के छोड़े है भाई मतलब अभी भी मचा रहे हैं हम लोग इंस्पायर है भाई आप लोगों ने कुछ भी नहीं मचाया वो सब कुछ किया हो आप लोगों ने किया हो मेरे को तो पता भी नहीं था कि सोशल मीडिया क्या होता है ना कितना वायरल होता है ऐसा है मेरे को भी नहीं मालूम था बैठने वाले एकदम से अचानक से और ये फुटपाथ में चाय मेहनत के बिना कुछ नहीं होता बिल्कुल नहीं होता लोगों को दिखता है कि हाँ डॉली भाई का नाम है पूरे शहर में आउट ऑफ सिटी भी उसके बाद में कितने महीने चाय लोगों का नाम है मगर उसके पीछे कितने महीने कितने महीने वो नहीं पता है डॉली भाई कैसा लग रहा है समीर चाल को मिलके हाँ समझ जाओ ये तो मेरा भाई है और भाई के समय बैठने में बहुत ही मजा आ रहा है बहुत ज्यादा मजा आ रहा है मैं जब भी जाता था भाई की दुकान पे भाई मेरे को उतनी इज्जत देते थे जैसा पहले देते थे बिल्कुल अभी भी उतनी मगर मसला क्या है अब पहले जैसा नहीं रहा कि कहीं जाके खड़े हो जाओ अभी कैसा आउट ऑफ सिटी भी रहना पड़ता है ज्यादा होने की है ना होंगी तो सब में पहले तुम्हारे को बुलाएंगे ना किसका भतीजा फर्स्ट टाइम आया था मैं गांव समझता था नागपुर एक गांव है लेकिन समीर भाई ने पूरा घुमा दिए मेरे को तो लोग बोलते थे ना पुणे का है मैं काफी लोगों ने बोले मेरे को काफी लोगों ने बोले बहुत सारे लोगों ने बोले क्योंकि जो मेरा रहने का तरीका था ना बहुत हटके था और मैं स्टार्टिंग से एकदम स्टाइलिश बंदा हूँ अपने आप 2003 की एक वीडियो है इनके यूट्यूब पे देखना आपने थोड़ी सी देखना वो वीडियो आपको पता चलेगा बहुत ज़्यादा माइक लगा देते हार्ड बंद किया मैंने वो खराब हो गया दूसरा मंगवाने के लिए भेजा हूँ मैंने अभी हुआ वो डॉली भाई कैसा महसूस हो रहा है बहुत ही प्यारा चलो फोटो निकालेंगे आराम से देखो ये मोमेंट जो है बहुत ही प्यारा क्योंकि बच्चे बोले तो भगवान का गुजरात है और थैंक यू सो मच
बिल्कुल सही। और मैं तो बोलता हूँ ना कसम से, वो लोग डेली लेते जाओ बच्चों के साथ में। बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने पूरा वक्त देखा है और आज के दिन के लिए मैं तरसा हूँ। 6 साल मैंने मेहनत करा, मतलब ऐसा थोड़ा ना मेरा दिन खराब हो दूंगा। मैंने वो डायलॉग बनाया नागपुर के पब्लिक पूरे तो तकलीफ में तकलीफ में, हाँ ऐसा नामरी का वो नागपुर का तकलीफ ऐसा बहुत सारे डायलॉग क्रिएट किया। मेरा एक डायलॉग फंस गया, हाँ मेरी और ये वो चला फंस गया, ये ऐसा फंसा कि ये पूरा बम्बई पूरा पूरा बच्चे छोटे छोटे मन में, हाँ मेरी जान। और ये और आज देखो ना डॉली भाई, क्योंकि आईना हमेशा वक्त नहीं बताता है, ये सब चीजें देख के लोग फिर याद करते हैं कि साला ये हुआ था अपने साथ। आईना वक्त नहीं पता था, आईना सिर्फ अपना चेहरा दिखाता है, बस प्रेजेंट दिखाता है, बस एक पान ठेले से लेकर एक ये फॉर्च्यूनर का जो सफर है ना, मैंने बहुत बहुत ट्राई करा भाई। मेरे को हेट भी मिला, लोग मेरे को स्टार्टिंग में पागल बोलते थे, संदीप दिमाग नहीं है, ऐसा है वैसा है, छपरी है, लोगों के बारे में जाने का भाई। देखो दो बोलने आज यही जरिया मेरा, आज यही मेरा आवक का जरिया बन गया, बन गया, चाहने वाले पड़ गए। इवेंट्स करता हूँ मैं, जब तक लोगों को पहले क्या इवेंट हो रहे हैं यार, मजमा लोगों को चाहने। आज लोग मतलब लोगों को देख रहे हैं, लोगों यार के पास निकालता था। बिल्कुल आज लोग मेरे को देखते हैं ऐसा, मतलब अच्छा लगता है कि एकदम से वक्त बदला, ऊपर वाला मेहरबान, इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से निकला। मेरे को डॉली बहुत अच्छा लगता है, समीर भाई। हाँ अभी देखो हम तो आए हैं कुराड़ी, हम कुराड़ी से आए हैं। इसी के साथ आज का ये व्लॉग खत्म करते हैं हम यहीं पे। तो आप बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा, डॉली भाई और समीर भाई आज साथ में थे, हमने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया है। और भी ऐसी वीडियोस के लिए भाई के चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बोला था ना बनाऊंगा एक दिन ऐसा मुकाम कि सब लोग बोलेंगे हाँ मेरी जान। यस।